सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है बिहार की खबरों का। पटना में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में शिक्षा विभाग की बैठक हुई, जिसमें शिक्षकों के खाली पदों को जल्द भरने को कहा गया, ताकि छात्रों की पढ़ाई में कोई दिक्कत ना हो। वहीं बिहार स्टूडेंट के क्रेडिट कार्ड योजना को बेहतर ढंग से कराए जाने के लिए भी कहा गया, ताकि वो इस योजना का लाभ उठा सकें। अमित शाह बिहार के दौरे पर हैं, जिस पर जदयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने पलटवार करते हुए कहा कि अमित शाह जबरन ताली बजवा रहे थे। साथ ही उन्होंने कहा कि हम लोग पहले से कह रहे थे कि वे अमित शाह बिहार में सद्भाव बिगाड़ रहे हैं। इसी के साथ उन्होंने कहा कि रैली में पहले बीजेपी के सभी नेता अपना स्कोर सेट कर रहे हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम महाविद्यालय हमने बनाया 674 करोड़ का, पूरा राज्य सरकार का पैसा है, लेना ना देना छुपछे फूले ना बना है, एक पैसा दिए नहीं। अकार है कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कृषि महाविद्यालय हमने बनाया, अरे वहां तो पढ़ाई शुरू हो गई, फिशरीज की पढ़ाई शुरू हो गई, पशु विज्ञान के लिए कैबिनेट से स्वीकृति मिल गई। और बिहार एक ऐसा राज्य है जहां एग्रीकल्चर पढ़ने के लिए बच्चों को हम स्टाइपेंड भी देते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपने दो दिवसीय दौरे के दौरान किशनगंज के प्रसिद्ध और प्राचीन बूढ़ी काली मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने पूरे विधि विधान से पूजा की। वहीं यहां लोगों ने ऐसी धारणा है कि किसी की इच्छा को पूरा करने के लिए बूढ़ी काली मंदिर में जरूर आना चाहिए, मां काली की मूर्ति दान करनी चाहिए, जिसके चलते मूर्ति दान के लिए भक्तों को कई सालों का इंतजार करना पड़ता है। पटना में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं, जिसके बाद वो विदेश जाकर अपना इलाज करवाएंगे। दरअसल कोर्ट से उन्हें विदेश जाकर इलाज कराने की इजाजत मिली है। बता दें कि लालू प्रसाद यादव को अपनी किडनी ट्रांसप्लांट कराना है, जिसको लेकर वो सिंगापुर जाना चाहते हैं। नालंदा में नगर निकाय चुनाव को लेकर नामांकन के लिए प्रत्याशियों में होड़ मची हुई है, जिसके बाद से सभी प्रत्याशी अपने समर्थकों के साथ कार्यालय पहुंच रहे हैं। वहीं शरीफ नगर निगम ने डिप्टी मेयर के लिए सविता सहाय ने नामांकन दाखिल किया, तो वहीं दूसरी तरफ वार्ड संख्या 29 में वार्ड पार्षद पद के लिए बाबर मलिक ने नामांकन करवाया। विकास जो कार्य छूटा रहे रह गया है वो पूरा होगा और हट के पूरा होगा। जो भी केंद्र सरकार का राज्य सरकार का जो योजना है, कोई ऐसी योजना जो है जिसको मैं छोड़ता नहीं हूँ, मैं पूरा करता हूँ। समर्थन हमसे क्या पूछ रहे हैं, पब्लिक से पूछिए। बिहार नगर निगम के उप मुख्य पार्षद के पद पर नामांकन किया है और आज मैं ये दिखाना चाहती हूँ कि बिहार के विकास के लिए, बिहार शरीफ के विकास के लिए, इस शहर के विकास के लिए शिक्षित लोगों को आगे आना बहुत जरूरी है। भागलपुर के पीरपैंथी में जनजागरण अभियान के चलते विद्यालय में पौधारोपण किया गया, साथ ही सामूहिक रूप से सभी लोगों ने पर्यावरण संरक्षण और नशा मुक्ति का संकल्प लिया। वहीं अभियान में भाषण प्रतियोगिता भी आयोजित की गई। इस दौरान स्कूल के शिक्षक शिवनाथ रविदास ने कहा कि ये कार्यक्रम जमीनी स्तर पर आयोजित किया गया है, जिसका परिणाम भी जमीनी स्तर पर दिखेगा। बता दें कि कार्यक्रम में लगभग 350 बच्चों ने भाग लिया। भागलपुर के पैरपैथी में भारत स्काउट गाइड के प्रथम सोपान का परीक्षण डीपीएस स्कूल शेरमारी में किया गया। वहीं कार्यक्रम का शुभारंभ विद्यालय के चेयरमैन डॉक्टर निर्मल कुमार पांडे ने किया, साथ ही स्काउट गाइड के छात्रों को
वांगाल देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर डॉक्टर निर्मल कुमार पांडे ने कहा कि ऐसी संस्था से जुड़कर बच्चों के अंदर अपनी प्रतिभा जानने और समझने का मौका मिलता है। भागलपुर जिला के पीरपैंथी ईशीपुर थाना क्षेत्र में अवैध गिट्टी की ढुलाई धड़ल्ले से चल रही है। वहीं गिट्टी से ओवरलोड ट्रैक्टर गंगा ग्लोबल स्कूल के पास दूसरे ट्रैक्टर की ट्रॉली पर चढ़ गया, जिसमें चालक बाल बाल बच गए। बता दें कि खनन विभाग ने लगातार छापेमारी कर गिट्टी मिल सहित कई गाड़ियों को जब्त कर लिया है। पटना में अंबेडकर छात्रावास के छात्रों और स्थानीय लोगों के बीच हुए विवाद में जमकर गोलियां चली, जिसमें स्थानीय लोगों के साथ साथ हॉस्टल के 3 छात्र भी घायल हो गए। साथ ही स्थानीय लोगों ने अंबेडकर छात्रावास के छात्रों पर छेड़खानी का भी आरोप लगाया है, जिसके बाद हॉस्टल पहुंची आयोग की सदस्य डॉक्टर अंजू बाला की टीम ने छात्रों से बात की। वहीं पुलिस ने निष्पक्ष जाँच करने की मांग की। आज मैंने ये निश्चय किया था कि मैं आके बच्चों से रूबरू होंगी, इनके मन की बात जानूंगी, सही में घटना क्या है, क्योंकि गोली चलने की घटना वायरल हो रही है, गोली भी चलते दिख रही है, सब कुछ हो रहा है। तो ये एलिगेशन क्या लग रहे हैं कि एक तरफ कोई लड़की को लेके एलिगेशन लगाया, तो इसीलिए हमने डिसाइड किया, हमारा पूरा कमीशन आया हुआ है, हमने डिसाइड किया धरातल पर जाके हम उन स्टूडेंट से भी पूछेंगे और प्रशासन से भी हम जानकारी लेंगे। स्टूडेंट की हमने सुन ली है, उनको लग रहा है कि हम पे एक फेक मुकदमा लगाया गया है, और अगर ये फेक मुकदमा है इसमें पूरी जानकारी हम लेंगे, सीसीटीवी कैमरे की पूरी फुटेज हम चेक करेंगे कि अगर कहीं लगता है, क्योंकि स्टूडेंट सामने आके ये कह रहे हैं कि अगर हमने गलती की है तो आप हमें कुछ भी सजा देंगे, हम लेने को तैयार। लेकिन अगर ऐसी कोई घटना हुई ही नहीं है, सिर्फ एक केस को दबाने के लिए दूसरे केस को आप जन्म देते हैं, तो ये फिर तो प्रशासन पर भी प्रश्न चिन्ह होगा। नवादा नगर थाना की पुलिस ने सूचना के आधार पर शहर के मोती बिगहा से एक टेम्पू पर लदे भारी मात्रा में विदेशी शराब को जब्त किया है। वहीं मौके से टेम्पू चालक को पुलिस ने गिरफ्तार कर पूछताछ में जुट गई है। साथ ही पुलिस ने एक बाइक भी जब्त की है। नवादा में बालू माफियाओं के खिलाफ पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। बता दें कि अवैध बालू खनन और ढुलाई पर प्रशासन ने रोक लगाने के लिए कई जगहों पर छापेमारी की है। साथ ही पुलिस ने इस छापेमारी में जेसीबी सहित दर्जनों वाहन को जब्त किया है। वहीं मौके से 2 लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। कैमूर में अधौरा के गैरखनिया जंगल में किशोरी की अज्ञात अपराधी ने कुल्हाड़ी से काट कर हत्या कर दी। वहीं इस मामले में किशोरी के पिता ने अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कराया है। अब इस मामले में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में एसटीआईटी टीम का गठन किया गया है, जिसमें डीआईयू और थाना अध्यक्ष को शामिल किया गया है। 10 तारीख को अधौरा में एक बच्ची की डेड बॉडी मिली थी, बंधा गांव है उसके पास जंगल के एरिया में, और हम लोगों ने उसमें अधौरा में केस दर्ज किया था हत्या के केस में, और उसको हम लोग एसआईटी की टीम के माध्यम से इन्वेस्टिगेट करा रहे थे, जिसमें एसआईटी में जो एसडीपीओ भगवान है सुनीता कुमारी वो थी, डीआईयू की टीम थी, और जो थाना अध्यक्ष हैं अधौरा के वो भी थे। इसके अलावा हम लोगों ने इसमें डॉग स्क्वाड की भी मदद ली, चूँकि मामला संवेदनशील था। पटना से एफएसएल की टीम भी आई, उनके द्वारा भी पीओ का विजिट किया गया, और इसके अतिरिक्त जो टावर डंप एनालिसिस है या सीडीआर एनालिसिस है वो भी हम लोगों ने की। और चूंकि घटनास्थल ऐसा था जो 3 गांवों के बीच का एरिया पड़ता था, तो उन तीनों ही गांवों के लगभग 42 लोगों से भी हम लोगों ने पूछताछ की, और इसी सभी आधार पर हम लोगों ने एक व्यक्ति हैं जिनका नाम उमेश है, जो अधौरा के रहने वाले हैं, उनको गिरफ्तार किया है, जिनको अभी हम लोग गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत में भेज रहे हैं। नालंदा में शौच के लिए गए युवक का तालाब में शव मिला। वहीं आशंका जताई जा रही है कि युवक का पैर फिसलने की वजह से तालाब में डूबकर मौत हो गई। आपको बता दें कि मृतक इस्लामपुर प्रखंड के मुडला का निवासी है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बिहार की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।
आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।